हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई स्वीट डिश लेकर आई हूँ, जिसका नाम है कोकोनट केसर मावा बर्फी। दोस्तों, ये इंग्रेडिएंट है हमारे, इन्हें देख लीजिए। ये मैंने सूखा दूध लिया है, अमूल का दूध है। ये चीनी है, ये इलायची पाउडर है, ये मावा है, ये ड्राई बादाम है और काजू है, ये नारियल का बुरादा है, ये केसर का दूध है। ये दूध में, गरम दूध में मैंने 2 चम्मच दूध लिया था, इसमें केसर डाल के रख दिया था। अब ये अच्छे से मेल्ट हो गया है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। रफली चॉप कर लिया, ये बादाम है और काजू है। दोस्तों, आइए अब हम बनाना चालू करते हैं। ये मैंने नारियल का बुरादा लिया, देखिए ये मैंने मावा लिया है, ये मैंने कढ़ाई में मेल्ट कर लिया था, धीमी आंच पे इसे कीजिए। मैंने इसमें 3 चम्मच सूखा दूध लिया, थोड़ी सी इलायची डालूंगी। दोस्तों, इलायची को आप स्किप भी कर सकते हैं, ये मुझे पसंद है इलायची, इसलिए मैंने डाला। और इसमें थोड़ा सा चीनी डालूंगी, दूध में वैसे पहले से ही चीनी है, लेकिन मैं थोड़ा सा डालूंगी। दोस्तों, अब हम इसका डो बनाएंगे। दोस्तों, मैं अब इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी और इसके एक अच्छा सा डो लगाऊंगी। दोस्तों हम इस तरह से बना लेंगे, ये 3 डो बन गए। हमने डो लगाते समय दूध को धीरे धीरे डाला था, डो को गीला मत होने दीजिएगा। अब हम इसको केसर के दूध से डो लगाएंगे, जो थोड़ा सा केसर का दूध डाल दो। दोस्तों देखिए, मैंने इसे केसर के दूध से डो बनाया है, देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है। अब हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। दोस्तों, अब हम बर्फी बनाते हैं। पहले हम एक प्लेट ले, अब मैंने इस पे सिल्वर फॉइल लगा दिया। अब मैं इसको थोड़ा घी से ग्रीस करूंगी, ताकि ये चिपके ना और आसानी से निकल जाए। देखिए, डो को मैंने हाथ में ले लिया, इसको दोनों हाथों से ऐसे दबाते हुए इसे फैलाएंगे। देखिए दोस्तों, अब ये इस टाइप का हो गया है। अब हम दूसरा वाला जो केसर का डो है, इसे भी हम हाथों से ही फैलाते। अब मैंने ये केसर वाला डो भी कुछ इस तरह से करके रख दिया, इसके ऊपर हाथों से फैला दिया ना, थोड़ा इधर उधर फटा हुआ है, इसको हाथों से ठीक कर लीजिए। अब इसी तरह से अब हम तीसरा डो भी हाथों पे रखते हुए इसे फैला लेंगे। अब हमें देखिए, हमने ऐसा बना लिया है। अब इसे इसके ऊपर रख देते हैं, ये हमारी तीसरी लेयर है और हम इसको बराबर कर लेंगे। आइए दोस्तों, अब हम इसे काटते हैं। दोस्तों देखिए, हमने इसको इस शेप में काट लिया है। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। आपको जो शेप अच्छी लगे आप उस शेप में काट के बनाइए। और दोस्तों, अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये मैंने
प्लेट लिए। हेलो दोस्तों, मैंने अभी से दोस्तों अब हम इसे गार्निश करेंगे। ये हमने थोड़े से बादाम और काजू को रफली चॉप कर लिया है। थोड़ा सा नारियल का बुरादा डालेंगे। ये मैंने थोड़ी सी इलायची पाउडर बचा के रखी थी। देखिए दोस्तों, ये हमारी डिश बनके तैयार हो गई है। और आपको हमारी ये डिश कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।